दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे पास में जो मोल्डेड टैंक होते हैं तो किसी वजह से किसी कारण दोस्तों इसके नीचे स्टोन आता है। जैसा कि समझो आप धोने के में, वॉश करने में, हम फ्रिज पानी चेंज करने में कभी है तो इसके नीचे अगर स्टोन आ गया तो ये हमारा टैंक है तो फूट जाता है। फूटने के बाद दोस्तों ये टैंक रेडीमेड होता है तो बहुत सारे कस्टमर को लगता है ये टैंक अभी है तो काम में नहीं आएगा क्योंकि रेडीमेड है, चिपकेगा नहीं, बनेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। अगर इनकेस हमारा इस एक्वेरियम का कांच ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो हम इसको मेकअप कर सकते हैं, इसका ग्लास डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। किस टाइप से ग्लास चेंज करना है तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ये वाला जो हमारा टैंक है दोस्तों, ये कस्टमर का यहाँ पे है तो जैसा आप देख सकते हैं कि इसका ग्लास टूट चुका है। तो दोस्तों इसको तो ग्लास टूटा है तो इसके अंदर हमें तो अगर इनके सिलिकॉन भी अगर भर देंगे तो ये काम चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो भी हमारे टैंक होते हैं उसके अंदर से ज्वाइंट होता है तो अच्छा नहीं लगता, रखना भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो डायरेक्टली जहाँ भी जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है इसके अंदर हमारे टैंक डैमेज होते हैं तो डायरेक्टली हमें तो इसके कांच चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं नीचे बेस हमारा जो एक्वेरियम का मोल्डेड एक्वेरियम, इम्पोर्टेड एक्वेरियम, ये वाला जो है ओल्ड है, इसका नीचे वाला ग्लास ब्रेक हो चुका है तो उसका ग्लास कैसा चेंज करना है तो इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों, देखेंगे इसमें और इसका ग्लास चेंज करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे कि हमें तो घर में हमारे पास जो एक्वेरियम है उसका इनकेस अगर ग्लास टूटता भी है किस टाइप से बनाया जाता है। तो यहाँ पे मोल्डेड टैंक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे कि ये वाला जो हमारा प्लेट है दोस्तों इसको हमें तो निकालना होता है, और निकालने के बाद दोस्तों ये वाला जो नीचे वाला ग्लास है निकाल देंगे और सेम साइज में हमें तो दूसरा ग्लास कटिंग करके इसको सिलिकॉन से पेस्ट कर देंगे। तो कैसा पेस्ट करना है तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने अब तक के देखा कि हमने इसको यहाँ पर ये वाला जो ग्लास था ब्लेड से और हमारे कटर के थ्रू इस ग्लास को, पहले वाले ग्लास को निकाल दिया, ब्रेक हो चुका था, टूट चुका था, और दूसरा वाला ग्लास फ्रेंड्स यहाँ पे सेम इसी का एक साइज लेकर मार्कर से हमने इस ग्लास को यहाँ से मार्किंग लेके बराबर इसके शेप में कटिंग कर दिया। अब कटिंग करने के बाद दोस्तों ये हम इसको पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों अगर अपने टैंक है जो भी तो इस टाइप से आप भी है तो घर पे रिपेयर कर सकते हैं या एक एक्वेरियम शॉप पे रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं इनकेस अगर हमारे कांच ग्लास भी टूटते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा, चलो अपन ने ये कांच बदला, ब्रेक हुआ अपन कांच ग्लास को तो चेंज करना है। इसी के साथ और एक दूसरा एक देखेंगे कि दोस्तों ये टैंक काफी पुराना रहने से यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो पेपर है पीछे का बैकग्राउंड तो इस टैंक के अंदर से क्लियर, अच्छे क्लियर नजर नहीं आ रहा है, धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। तो दोस्तों ऐसा अगर इनकेस हमारा 2-4 साल 5 साल पुराना टैंक है, अगर उसके ऊपर नमक की लेयर चढ़ती है, टैंक गंदा होता है, तो उस कंडीशन में हम दूसरे
इसको सॉल्यूशन कर सकते जो कि हमारे टैंक अच्छे से क्लियर नजर आए। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है दोस्तों, ये जो पीछे वाला जो हमारा बैकग्राउंड पेपर है, पोस्टर है, इस पेपर को निकाल कर दोस्तों जो सिलिकॉन होता है उस सिलिकॉन के थ्रू दोस्तों इस एक्वेरियम के अंदर से हमें तो उस पेपर को लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम तो पहले स्टार्ट में क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा ग्लास पेस्ट करने से पहले इस पेपर को दोस्तों निकाल कर हम अंदर से पेस्ट।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा इस हमारे ग्लास को, हमने ये जो ब्रेक हुआ था टूटा था दोस्तों तो ये ग्लास हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसको अच्छे से ज्वाइंट हो चुका है दोस्तों। तो इसको हमें तो 1 से 2 दिन तक अच्छे से पहले सुखा देंगे, सुखाने के बाद में हम वाटर पानी भर के इसको टैंक फुल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम दोस्तों। तो आप भी अगर अपने पास में ऐसे इसके अगर एक्वेरियम अगर डैमेज होते हैं टूटते हैं तो डायरेक्टली कांच निकाल कर चेंज कर देंगे तो हमेशा का प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो जाएगा। अगर हम कांच को पेस्ट करते रहेंगे अच्छा दिखेगा भी नहीं और कांच टिकेगा भी नहीं। तो दोस्तों इस टाइप से आप एक्वेरियम के नए नए और दूसरे वीडियो देखने के लिए, एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे पास ये अपने पास में जो फिश होते हैं, फिश को प्रॉब्लम डिसीज होते हैं, इसको फिश के ऑपरेशन के लिए दोस्तों अलग अलग मैं तो वीडियो बनाते रहता हूँ। जैसे जो प्रॉब्लम आते हैं हमको, जो मेरा रियल जो प्रैक्टिकल में जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो दोस्तों और अगले वीडियो में और मिलेंगे आपको, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक दोस्तों।